तो आप देखो यहाँ से क्या है ये ये जो है ये ओपन है यहाँ से जो डोर है यहाँ का जो रास्ता है वो खुला हुआ है तो ये हो गया ओपन फिगर देख रहे हो ना जब पूरा एक जैसे ये देखो आप ये जो फिगर बना हुआ है स्क्वायर वाला ये देखो आप क्लोज है कहीं भी यहाँ ओपन नहीं है तो ये हो गया आपका क्लोज़ फिगर बट इस फिगर के अंदर जो ये सारे फिगर बने हुए हैं आप उसे देख सकते हो जैसे ये ओपन है यहाँ भी कहीं क्लोज़ नहीं है यहाँ से रास्ता है अंदर घुसने का तो ये भी हो गया तो इस तरह से आप देखते हैं ये सारे जो हो गया आपका ओपन फिगर हो गया देन क्लोज़ फिगर क्लोज़ फिगर इट मीन्स जहाँ की इन करने का जिस फिगर में इन करने का कोई रास्ता नहीं है जैसे आप देख सकते हो यहाँ जो हैक्टागन है सर्कल है देन आप देखो यहाँ कोई भी फिगर बना हुआ है जिसमें आप देख किसी भी ऐसा कोई भी ऐसा डोर नहीं जहाँ से आप इन करो इस फिगर के अंदर तो ये हो गया आपका क्लोज़ फिगर जिसमें आप इन नहीं कर सकते हो ये देखो आप पूरा ब्लॉक है तो यही होता है ओपन फिगर देन क्लोज़ फिगर तो ये सारे जो है क्लोज़ फिगर जो है कोई भी क्लोज़ फिगर जो है एक आ, किसी भी एंगल से जैसे सर्कल जिसमें आपका जो है सर्कल से बन सकता है या फिर आपको लाइन सीगमेंट के बेसिस पे भी बनाया जा सकता है जैसे आपको देखो ये है लाइन सीगमेंट ये लाइन सीगमेंट के बेसिस पे बना हुआ है ये भी एक है ये आप देखो आ, ये भी लाइन सेगमेंट के बेसिस पे बना है लेकिन ये जो फिगर है सर्कल ये आप देखो इसमें लाइन सेगमेंट नहीं है बट ये भी क्लोज़ है है ना क्योंकि यहाँ पे कभी भी ओपन डोर नहीं है इसका तो ये हो गया ओपन डोर तो आपको पेरीमीटर क्या है कि कोई भी जैसे क्लोज़ फिगर है इसका जो एरिया जैसे कि इसका लेंथ एंड ब्रेथ जो ये कितने पार्ट में ये फैला हुआ है जैसे कि आप देखो ये जो पिक्चर है फिगर जो बना हुआ है इसमें क्या है आपका ये फिगर के अंदर जो है कितना एरिया में कवर है ये पूरा एरिया कितने में कवर है वो आप कैसे निकालोगे लाइन सीगमेंट में लाइन सीगमेंट जितने भी हैं लाइन्स वाले उन सब का मेज़रमेंट देखोगे देन उसका क्या है प्लस कर दोगे तो वो आ जाएगा आपका पेरीमीटर तो सिंपली हम समझ सकते हैं कि आप, कितनी जो भी क्लोज फिगर है उस फिगर का जो बाउंड्री है मतलब जो एरिया ऐसे कवर किया हुआ है वो जो पार्ट हो जाता है वो हो गया है आपका पेरीमीटर uh, ओके okay. तो अभी हम नेक्स्ट वर्कशीट uh, में पढ़ेंगे पहले हम समझ लेते हैं ओपन फिगर देन क्लोज फिगर आप यहाँ देख सकते हो एब्जॉर्व द क्लोज फिगर गिव एन बिलो अब आपको यहाँ क्या है क्लोज़ uh, फिगर को uh, देखना है तो यहाँ जितने भी फिगर बने हैं ये क्या है क्लोज फिगर यहाँ कहीं भी ओपन नहीं है किसी कहीं भी कोई डोर नहीं है जिससे आप इन कर सको ये टोटली क्लोज फिगर है कहीं से भी ओपन नहीं है ये भी आपका वही है ये और जितने भी ये फिगर्स हैं वो किस तरीके से बने लाइन सेगमेंट बेसिस पे बने हुए ये क्या है लाइन सेगमेंट आप देख सकते हो स्ट्रेट लाइन है तो ये सारे क्या हैं लाइन सेगमेंट तो लाइन सेगमेंट के बेसिस पे ये सारे फिगर बने हुए हैं तो यहाँ देखिए जैसे लिखा हुआ है दीज आर क्लोज फिगर मेड ऑफ लाइन सीगमेंट तो ये सारे क्या हैं लाइन सीगमेंट के थ्रू बने हुए तो ऐसा नहीं है कि आपको केवल लाइन सीगमेंट से बने ही क्लोज फिगर होते हैं आपको जैसे सर्कल आप जैसे सर्कल कर देते हो तो क्या है इसमें क्या आपको लाइन सिगमेंट है नहीं बट ये फिगर जो है वो क्लोज़ फिगर में आता है क्योंकि आपको देखो कहीं भी डोर नहीं है जिस जहाँ से इन कर सको तो ये क्या हो गया क्लोज फिगर तो किसी भी मतलब तरीके से बना हो लेकिन वो क्लोज फिगर एंड ओपन फिगर ये आपको समझना है तो यहाँ जितने भी हैं लाइन सेगमेंट से बने हुए हैं नेक्स्ट आते हैं वर्क सीट वन टिक द करेक्ट फिगर क्लोज फिगर इन द फॉलोइंग तो आपको यहाँ क्या है क्लोज फिगर आपको उसमें टिक करना है तो आप देखो ये क्या है यहाँ दोनों जो है ल, आ, मिले हुए हैं कहीं भी आप ये जो आ, फिगर बना हुआ है इसमें इन करने का रास्ता है ना आपको कहीं से भी इन कर सकते हो कोई फिगर ही नहीं बना हुआ है क्लोज़ फिगर तो ये क्या होगा ये क्लोज फिगर नहीं होगा देन ये आप देखो ये क्या है टोटली क्लोज है कहीं से भी इन करने का आपको जगह नहीं है तो ये क्या हो गया क्लोज फिगर देन ये क्या है डायरेक्शन जो भी हो जिस भी तरीके से यहाँ क्लोज्ड फिगर क्या है इट मीन्स आपको कहीं भी इन करने का ये जो बाउंड्री बना है इस फिगर में जिस तरीके का ये बाउंड्री बना हुआ है इसमें आप कहीं भी इन नहीं कर सकते हो है ना तो ये हो गए क्लोज्ड फिगर चाहे ये लाइन सेगमेंट से बने हो या फिर सर्कल बेस पे बना हो तो ये देखो आपको लाइन लाइन सेगमेंट इसमें नहीं है बल बट ये क्या है क्लोज्ड फिगर क्योंकि यहाँ इस बाउंड्री में कहीं से इन नहीं कर सकते हो तो ये हो गया क्लोज फिगर नेक्स्ट आप देखो यहां लाइन सीगमेंट से बना है बट यहां क्या है ये देखो आप ये जो है यहां से लाइन है इस बाउंड्री में इन करने का ये रास्ता है ये डोर है जिससे आप इन कर सकते हो तो ये क्या हो गया क्लोज्ड फिगर नहीं है ये ये क्या है ओपन फिगर ओके तो ये क्रॉस कर देंगे नेक्स्ट आते हैं अब देखो यहाँ भी ये जो बाउंड्री है इसमें आप इन कर सकते हो कहीं भी डोर नहीं है इट मीन्स ये क्या है ओपे क्लोज फिगर ओके अब देखो अब ये सर्कल uh, बना हुआ है लेकिन सर्कल में क्या है आपको देखो यहाँ से आप इन कर सकते हो इस जो एरिया है ये जो बाउंड्री बना हुआ है इसमें आप इन कर सकते हो क्योंकि यहाँ डोर है तो ये क्या हो गया ओपन फिगर ठीक है तो ये भी क्रॉस हो जाएगा क्योंकि क्लोज फिगर में आपको टिक करना है अब आप देखो यहाँ क्या है लाइन सीगमेंट प्लस ये बना हुआ है तो ये भी क्या है क्लोज्ड फिगर क्योंकि आप इसमें इस बाउंड्री में कहीं से इन नहीं कर सकते हो तो ये क्या हो गया आपका क्लोज फिगर तो आप देख सकते हो इसमें आपका बी सी ई एंड जी ये आपका जो है ये क्लोज फिगर है बाकी सब जो है आपका ओपन फिगर्स है ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू टिक द फिगर और सेप मेड ऑफ लाइन सेगमेंट ओनली ओके तो अब आप इसमें आपको क्या करना है उसी फिगर पे आपको टिक करना है जो आपको लाइन सेगमेंट से बना हुआ है ठीक है लाइन सेगमेंट से नहीं बना है उसे आपको नहीं करना है तो आप देखो यह लाइन सेगमेंट ये है बट ये दोनों तो नहीं है लाइन सेगमेंट नहीं है लाइन सेगमेंट इट मीन्स आपको स्ट्रेट लाइन कैसे भी किसी भी डायरेक्शन में हो अप डाउन लेफ्ट राइट या फिर न, किसी भी तरीके से बट वो स्ट्रेट लाइन हो तो ये आपको देखो स्ट्रेट लाइन ये है बट यहाँ से कर्व्स हो गया कर्व शेप में हो गया तो ये क्या है आपका लाइन सेगमेंट से नहीं बना ये फिगर तो आपको इसे नहीं करना है नेक्स्ट बी नंबर इसमें आप देखो लाइन सेगमेंट ये भी है ये भी लाइन सेगमेंट देन ये ये सारे लाइन सेगमेंट है तो इसे क्या कर देंगे टिक कर देंगे नेक्स्ट अब देखो आप यहाँ लाइन सेगमेंट ये दो जो आर्म्स हैं ये तो लाइन सेगमेंट है बट नीचे जो है ओवल शेप का बना हुआ है ये तो लाइन सेगमेंट नहीं है तो ये भी आपका लाइन सेगमेंट से नहीं बना है फिगर नेक्स्ट अब देखो इसमें भी लाइन सेगमेंट ये लाइन सेगमेंट है सारे ये सारे ये जो फिगर है पूरा फिगर जो है लाइन सेगमेंट से बना हुआ है तो ये भी आपका राइट होगा ठीक है नेक्स्ट आपको ये एरो बना है जिसमें देखो लाइन सेगमेंट ये भी लाइन सेगमेंट ये जो है ये भी लाइन सेगमेंट है देन ये भी लाइन सेगमेंट है तो ये फिगर जो है ये भी लाइन सेगमेंट से बना हुआ है तो इसे भी टिक कर देंगे ये सर्कल बना है सर्कल में आप देखो कहीं भी आपको लाइन सेगमेंट नहीं है देन ये जो है ये भी आप में देखो यहाँ लाइन सेगमेंट नहीं है देन ये फिगर जो है इसमें भी लाइन सेगमेंट देखो है या नहीं ये लाइन सेगमेंट ये सारे जो है लाइन सेगमेंट है तो ये भी टिक होगा तो इस तरह से आप देख सकते हो कि तो यहाँ पे जो है आपको देखो बी डी ई एंड एच ये जो है वन टू थ्री फोर फोर फिगर्स जो हैं वो लाइन सीगमेंट से बने हुए हैं बाकी फिगर्स जो हैं वो लाइन सीगमेंट से नहीं बने हैं तो आपको क्वेश्चन में क्या था आ, उसी पे आपको टिक मार्क करना है जो लाइन सेगमेंट से बने हुए हैं और लाइन सीगमेंट क्या है जो स्ट्रेट लाइन से बना है वो Uh, मतलब uh, जहाँ से है वो मुड़ सकता है बट क्या है लाइन सेगमेंट में ही होना चाहिए ठीक है तो ये ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ड्रॉ द फॉलोइंग ओके तो आपको ड्रॉ करना है टू क्लोज फिगर तो क्लोज़ फिगर बोला गया है तो क्लोज़ फिगर कैसे आप बनाओगे क्लोज़ फिगर में आपका क्या आता है जहाँ की क्लोज हो जैसे कि आप देखो स्क्वायर शेप में भी बना सकते हो जैसे ये स्क्वायर फिगर शेप है आप इसमें देखो आपको क्लोज है कहीं से ओपन नहीं है तो ये हो गया क्लोज़ फिगर देन नेक्स्ट आपको सर्कल भी बना सकते हो क्योंकि यहाँ मेंशन नहीं किया गया है कि किस तरीके से बनाना है आपको लाइन सेगमेंट से या कर्व्स में कैसे भी आपको बनाना है बस बट वो क्लोज़ फिगर रहना चाहिए ठीक है तो इस तरह से आप बना सकते हो जैसे स्क्वायर रेक्टेंगल या ट्रायंगल या फिर कोई भी बना सकते हो बट वो क्लोज रहना चाहिए यहाँ कोई मेंशन नहीं किया गया कि इस तरीके से बनाना है ठीक है तो आप कैसे भी सर्कल सेमी सर्कल आप ऐसे भी बना सकते हो ठीक है सेमी सर्कल सेप में तो ये भी आपका क्लोज है क्योंकि यहाँ ओपन नहीं है कहीं से आप इन नहीं कर सकते हो इस बाउंड्री लाइन में तो ये आपका क्लोज हो गया बट ने, नेक्स्ट टू ओपन फिगर अब ओपन फिगर बनाना है तो ओपन फिगर में आप क्या कर सकते हो जैसे आप रेक्टेंगल भी बनाते हो तो ऐसे बना के देन यहाँ ओपन छोड़ दोगे तो ये पार्ट ओपन हो गया देन सर्कल बनाना है तो आप देखो ऐसे तो यहाँ से इन करने का है तो ये आपका ओपन फिगर हो गया किसी भी एंगल से तरीके से बना सकते हो बट वो जो बाउंड्री लाइन में है आपको इन करने का स्पेस होना चाहिए तो हो गया ओपन फिगर ठीक है ना अब कैसे भी जैसे ये ट्रायंगल भी बनाया आपने ऐसे छोड़ दोगे तो यहाँ से इन है तो ये हो गया आपका ओपन फिगर तो इस तरीके से आप ओपन एंड क्लोज़ फिगर ड्रॉ कर सकते हो नंबर सी टू क्लोज फिगर यूजिंग द लाइन सेगमेंट ओनली अब आप देखो इसमें स्पेशली मेंशन किया हुआ है कि आपको लाइन सेगमेंट से ही आपको बनाना है फिगर ओके okay? तो लाइन सेगमेंट से ही आपको फिगर uh, बनाना है तो लाइन सेगमेंट इट इटमिट स्ट्रेट लाइन से तो आप देखो अब यहाँ पे आप बना सकते हो कैसे भी हैक्टागन पेंटागन कैसे भी बना सकते हो ठीक है तो इस तरीके से बना सकते हो या फिर आप देखो आ, ये भी डायरेक्शन में मतलब कैसे भी बना सकते हो क्योंकि ये मेंशन नहीं किया गया है कि आपको आ, कैसे बनाना है आपको स्ट्रेट लाइन होना चाहिए तो आप देखो यहाँ स्ट्रेट लाइन ये स्ट्रेट लाइन ये स्ट्रेट सारे स्ट्रेट लाइन हैं ये अब मैंने स्टार बनाया है इसमें भी आप देखो स्ट्रेट लाइन है ये सारे जो है स्ट्रेट लाइन है ठीक है तो ये भी एक हो गया तो इस तरीके से आप कोई भी या फिर आप ट्रैंगल सर्कल आ, ट्रेंगल और देन सर्कल तो नहीं बना सकते हो ट्रैंगल रेक्टेंगल फिर आ, कैसे भी आप बना सकते हो बट लाइन सिगमेंट होना चाहिए यानी स्ट्रेट लाइन के बेसिस पे बना होना चाहिए कोई भी डायरेक्शन जैसे ऐसे से कैसे भी बट क्या है आपका स्ट्रेट लाइन होना चाहिए ये आपको ध्यान रखना है तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को ध्यान से समझने के बाद ही आंसर करना है जैसे टू क्लोज फिगर तो कैसे भी किसी भी डायरेक्शन में बना सकते हो क्योंकि इसमें मैंसन नहीं किया गया है लाइन uh, सेगमेंट के बेसिस पे भी या फिर कर्व्स कैसे भी रेक्टेंगुलर uh, कैसे भी बना सकते हो देन ओपन फिगर यहाँ भी मेंशन नहीं किया गया है कि कैसे बनाना है तो आप इसे भी किसी भी शेप में बना सकते हो देन क्लोज फिगर बट यूजिंग लाइन सीगमेंट ये आपको मैंसन कर दिया गया है तो आपको ये देख के ड्रॉ uh, करना है कि क्या क्वेश्चन में बोला गया है ठीक है तो नाउ वर्कशीट वन इज़ कम्प्लीटेड होप सो दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो